सुशांत सिंह राजपूत हिंदी फिल्मों में अभिनेता होने के साथ साथ थिएटर और टीवी अभिनेता भी थे। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में काम कर चुके राजपूत को इस सीरियल की बदौलत काफी लोकप्रियता मिली थी। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना बिहार में हुआ था। उनके पिता सरकारी दफ्तर में अधिकारी हैं। उनका परिवार सन 2000 के शुरुआती समय में दिल्ली में आकर बस गया। सुशांत सिंह राजपूत की 4 बहनें भी हैं, जिसमें से एक मीतू सिंह राज्य स्तर की क्रिकेट खिलाड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत की शुरुआती पढ़ाई सेंट कैरेंस हाई स्कूल पटना से हुई और इसके आगे की पढ़ाई दिल्ली के कुराची हंसराज मॉडल स्कूल से हुई। इसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। सुशांत सिंह राजपूत के करियर की शुरुआत बैकअप डांसर के रूप में हुई थी और उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी कई बार डांस किया है। वहीं पर उनको सबसे पहले बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने नोटिस किया था, जिसके बाद उनके करियर की शुरुआत किस देश में है मेरा दिल नामक सीरियल से हुई, जिसमें उन्होंने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया था। लेकिन जीटीवी का शो पवित्र रिश्ता उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद वे डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 में भी दिखाई दिए और इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्मों का रुख कर लिया और काई पोचे फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जो एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस, पीके, केदारनाथ, महेंद्र सिंह धोनी और भी बहुत सी फिल्मों में अहम भूमिका निभाई और उनमें से बहुत सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गई। आइए आपको बताते हैं सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे। सुशांत सिंह राजपूत पढ़ाई में काफी अव्वल थे, इस वजह से वे कई परीक्षाओं में बैठे और सफल भी हुए, लेकिन उन्हें तो अपना करियर फिल्मों में बनाना था, इसलिए वे पहले दिल्ली आए और उसके बाद मुंबई का रुख कर लिया। सुशांत मशहूर कोरियोग्राफर श्यामक डावर के छात्र रह चुके थे। सुशांत ने 2006 के कॉमनवेल्थ खेलों में भी परफॉर्म किया था। इसके बाद 51वें फिल्म फेयर अवार्ड में भी वे बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम कर चुके हैं। मुंबई आने के बाद उन्होंने एक डांस ग्रुप के साथ भी परफॉर्म किया, जिसको मशहूर कोरियोग्राफर एस्ले लोबो ने प्रशिक्षित किया था। इसके बाद उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और शायद यही कारण है कि वे एक मेहनती अभिनेता बनने में सफल हुए। उन्होंने मशहूर एक्शन डायरेक्टर एलन अमीन से मार्शल आर्ट्स के गुर भी सीखे थे। मशहूर टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से पहले वे किस देश में मेरा दिल नामक सीरियल में काम कर चुके थे। पवित्र रिश्ता में निभाए गए अपने किरदार मानव देशमुख से वे घर घर की पसंद बन गए। वे जरा नच के दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 जैसे बड़े डांसिंग शोज के प्रतिभागी रह चुके हैं और झलक दिखला जा 4 के दौरान उन्हें मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर का टाइटल भी मिल चुका था। अपनी पहली ही फिल्म से सबकी नजर में अपनी जगह बनाने वाले सुशांत का जीवन आसान नहीं रहा। माँ बाप की इच्छा के बिना उन्होंने फिल्मों को अपना करियर चुना और आज इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम स्थापित कर चुके थे। फिल्म काई पोचो में निभाए गए अपने किरदार की प्रेरणा उन्हें अपनी बहन मीतू सिंह से मिली थी। मीतू सिंह राज्य स्तर पर क्रिकेट खिलाड़ी हैं। एक समय था जब उनके साथ अभिनेत्रियां काम तक करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वे एक साधारण परिवार से थे और उनका कोई फिल्म बैकग्राउंड नहीं था। फिल्म शुद्ध देसी रोमांस इसका उदाहरण है। काफी समय बाद फिल्म के लिए परिणीति चोपड़ा को साइन किया गया था। वे अपनी लव लाइफ को लेकर भी अखबारों और टीवी की सुर्खियों में रहते थे। वे अपनी प्रेमिका अंकिता लोखंडे के साथ काफी लंबे वक्त में रिलेशनशिप में रहे थे और खबरों की माने तो वे एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। दोनों लव बर्ड्स की मुलाकात पहली बार पवित्र रिश्ता के सेट पर हुई थी और वहीं से दोनों के बीच प्यार पनपना शुरू हो गया था। उन्होंने भारतीय क्रिकेटर MS धोनी पर बनी बायोपिक में भी उनका बहुत ही अच्छे से बहुत ही शानदार किरदार निभाया था। सुशांत सिंह राजपूत की आने वाली फिल्मों की बात करें तो दिल बेचारा, जो 8 अगस्त 2020 को रिलीज होनी थी, चंदा मामा दूर के, पानी, कीजी और मनी जैसी फिल्में अभी उनकी आनी बाकी थी। सुशांत सिंह राजपूत अब तक करीब 60 करोड़ रुपए अर्न कर चुके थे और एक फिल्म का वो चार्ज करते थे करीब 5 से 6 करोड़ रुपए और बहुत तेजी से बॉलीवुड में अपने पैर जमा चुके थे और एक सुपरस्टार की दौड़ में चल पड़े थे। लेकिन किस परेशानी से वो जूझ रहे थे, किस परेशानी की वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए कि 14 जून 2020 को उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। करोड़ों रुपए कमाने वाले सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में क्यों चले गए,
इस बारे में कहा जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनका बॉलीवुड में जो योगदान रहा वो काबिले तारीफ है, सराहनीय है। और बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरा देश उनके निभाए गए बॉलीवुड में किरदार को कभी नहीं भूल पाएगा।